दोस्तों फोर्ड ने मार्केट में फोर्ड ईटूर न्यू कुरियर इलेक्ट्रिक मिनीवैन को पेश किया है। नया ईटूर न्यू बाहर से देखने में एसयूवी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये एक इलेक्ट्रिक मिनीवैन है। इस ईवी को एसयूवी बेस्ड लुक के साथ एक मल्टी एक्टिविटी व्हीकल के तौर पर पेश किया गया है। ये बात करते हैं फोर्ड की इस नई कुरियर इलेक्ट्रिक मिनीवैन के फीचर्स और अदर खूबियों के बारे में डिटेल्स। बात करें सबसे पहले इसके पावर को स्पेक्स को लेकर, तो फोर्ड की ईटूर न्यू कुरियर मिनीवैन में आपको 100 किलोवाट की फ्रंट व्हील ड्राइव मोटर देखने को मिलती है। रेंज की बात करें तो ये एक बार चार्ज होने पर लगभग 230 मील यानी कि 370 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये जो व्हीकल है वो 11 किलोवाट एसी और 100 किलोवाट डीसी चार्जिंग ऑप्शन के सपोर्ट के साथ में आता है। नॉर्मल एसी चार्जर से आप 5.5 घंटे में 10 से 100% चार्ज कर सकते हैं, वहीं डीसी फास्ट चार्जर के जरिए सिर्फ 10 मिनट के चार्ज में 87 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाती है। इसके अलावा सिर्फ 35 मिनट में ये 10 से 80% चार्ज हो जाता है। फोर्ड ईटू न्यू कुरियर में रियल सीट्स पर बैठने वाले पैसेंजर के अलावा 614 लीटर कार्गो स्पेस देखने को मिल जाता है। जब रियर सीट्स को फ्लैट किया जाता है तो कुल स्टोरेज 2162 लीटर तक बढ़ जाता है। इस प्रकार ये ईवी फोर्ड एक्सपेडिशन एसयूवी जैसे कई बड़े मॉडल के बराबर ज़्यादा स्टोरेज देती है। इसे 2 हिच से लैस किया जा सकता है, लेकिन लिमिट सिर्फ 700 kg होगी। ईटू न्यू कुरियर एक 5-सीटर ईवी है। इस नए वाहन के साथ फोर्ड जो है वो मिनीवैन को फिर से दौर में लेकर आ रही है। नई फोर्ड इलेक्ट्रिक मिनीवैन का फ्रंट बम्पर व्हील और डोर पर मैट ब्लैक ट्रिम और लंबा आउटलुक इसे एक एसयूवी जैसा फील देता है। इस व्हीकल में टू न्यू कनेक्ट के मुकाबले 2 कम सीट्स हैं। इसके जरिए कस्टमर्स को ज़्यादा स्पेस मिलता है। इसमें एक रग्ड एसयूवी वाला लुक और शानदार इंटीरियर दिया गया है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता हूँ तो फोर्ड ईटू न्यू फिलहाल जो है वो अभी यूरोप में 2024 में लॉन्च की जाएगी, जिसकी प्राइस लगभग 20,50,000 रुपये हो सकती है। ये कन्फर्म प्राइस नहीं है, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। और 2024 में ही ये उत्तरी अमेरिका में भी लॉन्च की जा सकती है। इंडिया में ये कब लॉन्च की जाएगी अभी इसके बारे में कोई भी कन्फर्म डिटेल्स सामने नहीं आई है।